नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लैपिसलिबा के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। लैपिसलिबा मिनरल किंगडम की मेडिसिन है, जिसको हम सिलिको फ्लोराइड ऑफ कैल्शियम भी बोलते हैं। दोस्तों, लैपिसलिबा कैल्केरिया फ्लोर, कैल्केरिया आयोड और साइलिशिया, ये तीनों के अगर आप लक्षण लगभग मिला दें तो ऐसे लक्षण इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ओवर ग्रोथ के लिए, किसी भी ओवर ग्रोथ ही कंडीशन के लिए, जैसे लाइपोमा, फाइब्रोमा, ट्यूमर के लिए। मोस्टली अगर आप आम भाषा में बोलें तो ट्यूमर के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो सबसे पहले जानते हैं इसका एक्शन, कि ये हमारे शरीर पर असर कहाँ पर करती है और क्या करती है। उसके बाद मैं इसके साइलेंट सिम्टम्स, लक्षण बताऊंगा कि क्या क्या लक्षण होंगे तो आपको लैपिसलिबा लेना चाहिए। लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन सी बीमारी में आप लैपिसलिबा को लें और किस पोटेंसी में आप लैपिसलिबा को लें, जिससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो सबसे पहले जानते हैं इसके एक्शन। लैपिसलिबा हमारे ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियों में असर करती है और हमारे विषराज मतलब हमारे अंदरूनी अंग में असर करती है। अगर ग्रंथियों में ओवर ग्रोथ हो जाए, जैसे हमारे अगर थायराइड ग्लैंड में ओवर ग्रोथ हो जाए, जिसे हम गॉइटर बोलते हैं, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर हमारे इंटरनल विषराज में, जैसे हमारे स्टमक में ओवर ग्रोथ हो जाए या यूट्रस में ओवर ग्रोथ हो जाए, फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस की प्रॉब्लम हो, तो ये ओवर ग्रोथ को ठीक करती है, ट्यूमर को ठीक करती है, लाइपोमा को ठीक करती है, फाइब्रोमा को ठीक करती है। यहाँ तक कि इसे लेने से कैंसर का ट्यूमर भी ठीक हो सकता है दोस्तों। तो ये ट्यूमर को ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। ये था इसका एक्शन। अब चलते हैं साइलेंट सिम्टम्स, लक्षण की तरफ। तो साइलेंट सिम्टम्स इसके बहुत ही कम है। सबसे पहले हम ट्यूमर से ही बात करेंगे, क्योंकि ये ट्यूमर के लिए ही बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो कहीं पर भी आपके शरीर में अगर ट्यूमर होता है, चाहे वो लाइपोमा हो, चाहे वो फाइबर डिपोजिशन या फाइबर से बना हुआ ट्यूमर हो जिसको हम फाइब्रोमा बोलते हैं, चाहे वो न्यूरोफाइब्रोमा हो जिसमें नर्व सेल्स और फाइबर सेल्स मिले रहते हैं, छोटे छोटे से ट्यूमर रहते हैं हमारे स्किन के जस्ट नीचे और दिखते रहते हैं न्यूरोफाइब्रोमास, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर ब्रेस्ट में ट्यूमर हो जाए तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। साथ ही साथ यूट्रस में अगर फाइब्रॉइड ट्यूमर हो जाए तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ट्यूमर जो है वो हार्ड होता है। ट्यूमर इसका जो होता है वो ज़्यादातर गोल होता है, वो ऐसा नहीं होता जैसे चपटा हुआ ट्यूमर नहीं होता, ज़्यादातर गोल होता है। और जब आप इसे हिलाएंगे तो ये अच्छे से हिलेगा, मतलब ये बेनाइन ट्यूमर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। ट्यूमर की जगह में अगर आपको जलन हो तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर ट्यूमर वाला पेशेंट एनीमिक भी हो, मतलब पतला दुबला हो और उसकी हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो, तो लैपिसलिबा एनीमिया को भी ठीक करता है ट्यूमर को ठीक करने के साथ साथ। दोस्तों, किसी किसी कंडीशन में, खासकर ये यूट्रस के कैंसर के लिए, यूट्राइन कैंसर के लिए इफेक्टिव मेडिसिन है, और साथ ही साथ ये स्टमक कैंसर के लिए भी इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर आपको यूट्रस का कैंसर है या स्टमक कैंसर है और बहुत ज़्यादा जलन आपके शरीर में होती है, ये एक लक्षण आपको दिखता है, तो लैपिसलिबा आप ले सकते हैं। ये घेंगा रोग के लिए, अगर थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, गॉइटर की आपको समस्या होती है, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है लैपिसलिबा। साथ ही साथ अगर उसके साथ आप पतले होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा भूख लगती है, खाना खूब खाते हैं लेकिन पतले हो रहे हैं, मतलब आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की भी समस्या है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है लैपिसलिबा दोस्त। अगर आपके सीने में दर्द हो और खासकर ब्रेस्ट में ट्यूमर हो और बहुत ज़्यादा दर्द हो लेकिन बेनाइन ट्यूमर हो, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है लैपिसलिबा। तो अगर आपके गले में यहाँ पर गांठ हो और गांठ में मवाद भी भर गया हो, मोस्टली ये ट्यूबरकुलोसिस के केस में होता है, और कभी कभी लिम्फेडिनोपैथी के केस में अगर ध्यान न दिया जाए तो वहाँ पर पस फॉर्मेशन हो सकता है, इसके लिए लैपिसलिबा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों, ये थे लैपिसलिबा के सिम्टम्स। मोस्टली ये ट्यूमर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन। अब चलते हैं कि लैपिसलिबा हमें यूज़ कैसे करना है और किस बीमारी में इसे लेना है। दोस्तों, लैपिसलिबा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप इसे 30 CH पोटेंसी में लेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और मैं अपने क्लिनिक में मोस्टली हमेशा 30 CH पोटेंसी में ही लैपिसलिबा देता हूँ, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मुझे दिखते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ
कि आप 30 CH पोटेंसी में ही इसे यूज़ करें। दोस्तों जैसे कि आपको पता चल ही चुका है कि ये ट्यूमर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, तो कहीं पर भी आपके शरीर में गांठ हो, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, आप लेपिसेल्वा का उपयोग करें। ये फाइब्रोमा के लिए, लाइपोमा के लिए, न्यूरोफाइब्रोमा के लिए, किसी भी तरह के ट्यूमर के लिए और कैंसरस ट्यूमर के लिए, खासकर ये यूट्राइन कैंसर के लिए और खासकर ये स्टमक कैंसर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों लेपिसेल्वा आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को पिए। दोस्तों ये मेडिसिन आपको कुछ दिन तक लेनी पड़ेगी, मतलब आपका जो ट्यूमर है वो क्रॉनिक है, बहुत दिनों से है, जिसके लिए आपको मेडिसिन कुछ दिनों तक लेनी पड़ेगी। मैंने देखा है कि अगर आप ट्यूमर के केस में लेपिसेल्वा 3 से 6 महीने तक लेते हैं तो लाइपोमा ठीक हो जाता है, फाइब्रोमा ठीक हो जाता है, साथ ही साथ न्यूरोफाइब्रोमा में भी आपको बहुत ही अच्छा असर देखने को मिलता है। दोस्तों इस मेडिसिन के साथ अगर आप 2 मेडिसिन और लेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पहली मेडिसिन है थूजा, जिसको आपको 1 mg पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह लेना है, और दूसरी मेडिसिन है कैल्केरिया फ्लोर, जिसको 6x पोटेंसी में 6 गोली दिन में 3 बार लेना है, 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर में और 6 गोली शाम को चूसिए। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, अगर आप लेपिसेल्वा के साथ लेते हैं तो किसी भी तरह का ट्यूमर हो ठीक हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि लेपिसेल्वा ट्यूमर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और ज़रूर आप इसे ट्यूमर में यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन देगा तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा, यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देगा तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड वीडियोज आता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दीजिए तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज जरूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।